देखो गिरेगी किधर लिखे कैपेसिटी, गिरेगी या चलेगी जाएगी करो नीचे, उतना जब गिरेगी या चलेगी जाएगी तो नीचे ही ना। अरे एम तो पूरा हो रहा है। ग्यारह बज के 15 मिनट है और अभी भी इंदौर में शाम में टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है। मुझे लास्ट व्लॉग में बोला था राइट नाउ इट्स 24 और अभी 21 तक जाएगा। तो जहाँ जो टेरेस में हम लोग बाहर आ नहीं पा रहे थे वो टेरेस में हम लोग बाहर चिल कर रहे हैं बिकॉज मौसम इतना अच्छा हो गया, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही और ये जो लाइट है ये बहुत ही अच्छा बैकड्रॉप दे रहे हैं। बाय द वे ये मैं स्पेशली शैनिस के लिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज डीजे मैंने पूरा घर रिवैम्प किया, तो ये उनका किचन हुआ करता था और यहाँ पर उनकी कोई मशीन थी और शैनिस और मैंने यहाँ पूरा गार्डन में फोटो शूट किया था 2016 में जब हम K2K कर रहे थे। तो मैं शैनिस को यही सब जगह बता रहा था और इसके लिए मतलब व्लॉग में भी हमेशा के लिए ये कैप्चर हो जाए, इसलिए इतना इतना अच्छा टेरेस। ये सब मुंबई मुंबई में हो तो भाई क्या ही बात हो जाए। रॉयल्टी वर्दी के नहीं, रॉयल्टी किस चीज़ की, ये यहाँ की शूट करने की, शूट भर दी ना भाई देखो ना पेरे इतना अच्छा डाइनिंग टेबल सेट किया है लेकिन इनको बार टॉप पे खाने का मजा है कुछ और। क्यों इधर इधर बैठो ना, अरे इधर मजा आता रे, देखो दो ही लोग बैठ सकते हैं, चलो बैठ जाते एक इंटरेस्टिंग चीज़ है अभी बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि डीजे भाई ने पूरा घर बनाया, रेनोवेट किया, एकदम कमाल का बनाया, लेकिन कुछ कुछ रूम जैसे वॉशरूम में सेंसर लाइट है, मतलब जैसे आप जाते हो तो लाइट चालू होती है और वापस आते हैं लाइट बंद होती है। अच्छा स्विच का टेंशन नहीं है। उसी हिसाब से देवू भाई और राव भाई वो सोए थे ये रूम में जो कि डीजे भाई का वो मोटरसाइकिल रूम है, ठीक है। अब वहाँ पर भी सेंसर लाइट है तो क्या हुआ भैया, थोड़ा ऐसे लाइट ऑफ करने के बाद थोड़े ऐसे पैर हिले ना तो लाइट ऑन हो जाने का। और मैं रात भर परेशान हाउ टू स्विच इट ऑफ, सो आई मैनेज टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एक्सेप्ट फॉर वन एंड दैट वाज इरिटेटिंग मी थ्रू आउट द नाइट। वॉइस कंट्रोल ट्राई नहीं किया तो पूरा रात भर यही हुआ, हल्का पैर ऐसे किया ना, मैं ऐसे सोया ऐसे करके सोया, हिलना नहीं हिलना नहीं हिलना नहीं, हल्का हिलता वो लाइट ऑन का। तो कम से कम 750 किलोमीटर चला गया है, थके हुए रहेंगे वे, थके में लाइट ऑन लाइट ऑफ का क्या फर्क पड़ता है, इंसान बाहर गर्मी में सो जाता है। आँखों में लाइट लग रहा ना, यू कांट स्लीप, लगा अगर सीधा आँखों में आया तो हवा भाई मेरे को अंधेरा मंग। भाभी अच्छा हो गया, ट्राइड एंड टेस्ट हो गया सब कुछ, फर्स्ट टाइम किया ना, अभी बंद कर देना प्लीज। सो एज यू कैन सी ये डे में भी चालू होता है ये वाला नाइट ऑफ नहीं हुआ, बट आई वॉन्ट सजेस्ट यू गाइस समथिंग कि ये सेंसर है इसके बाजू वाला, ठीक है, तो सिंपल है कुछ लेके उसको कवर कर देते हैं, बाहर तो डबल टेप पड़ा ही था उसे डिटेक्ट ही नहीं करता। अरे डबल, अरे आधे नींद में थके हुए तो और सुन ना, बट नींद खराब हुई ना उसकी वजह से, फिर बाद में थोड़ा ऐसा करे ठक। देखो भाई मैं होता इधर तो मैं चुपचाप बाहर जाता, स्टूल लेता और कवर कर देता भाई उसको। भाई डबल टेप का ढूंढने का आप लोगों को पता है, कल सोते टाइम हमने कितना ध्यान रखा कि ये डोर बंद नहीं करने के लिए, क्योंकि ये डोर ऑटोमेटिक बंद होता है, लॉक हो जाता है, तो उन्होंने ध्यान रखा कि भाई अगर बंद हो गया कल इनको कुछ वॉशरूम वॉशरूम जाना हुआ। अच्छा नहीं लेकिन लेकिन हम लोग डीजे बोलते हैं मेरे को नहीं चाहिए देवू बालकनी में सुसु करे, वो तो ठीक है पॉटी आ जाती तो। और हम लोग उसका डिबेट कर रहे हैं मैच शो में, डीजे भाई अगर देवू को पॉटी आई तो देवू क्या क्या कर सकता है, वो कॉल करेगा पहले मेरे को, तो मम्मू को कॉल करेगा कि मुझे लगी क्या करूं मैं, पूरा सोल्यूशन निकाला, फिर मतलब इनको खोल देते हैं। शो में हमने कहा कितनी प्लानिंग की, दरवाजा बंद नहीं हो कभी इनको कुछ हो जाए तो। हाँ। अच्छा ये सेंसर वाली लाइट है ना, इन लोग को रात भर प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ रिपीट प्रॉब्लम हुआ ऐसा सोए ना लाइट ऑफ हुआ ऐसा हुआ बेसिकली क्यों बोल रही है, कल मैंने सबको ले लिया और मैं कैरेक्टर में घुस गया कि वॉइस कंट्रोल है लाइट ऑफ, बोला लाइट ऑफ तो सेंसर से हिलता था, लाइट ऑन बोलता लाइट ऑन होने देती, सब लोग बिलीव किए कैमरा शूट करना चाहिए, यू बिलीव यू हाँ क्या हाँ क्या, मैंने बोला बाथरूम में जाके बोलो घंटा घंटा आप लोगों को बहुत स्पेशल लग रहा होगा, मैं देवू शोबे डीजे भाई मतलब कितना अच्छा लग रहा है हम सब नोट कर रहे हैं एक साथ वही पुराना 2017-18 का वाइब, लेकिन ये वीडियो और एक वजह की बिकॉज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक स्पेशल चीज गिफ्ट करने वाला हूँ, मेरी आपकी और हम में से बहुत लोगों की फेवरेट कंपनी एप्पल के शेयर्स गिफ्ट करने वाला। देखो हम जब कनाडा में थे जब स्काई वहाँ पर बॉर्न हुई थी तो हमें काफी टाइम के लिए रुकना पड़ा था, हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, मैंने इनफैक्ट अपना एप्पल
एप्पल का M1 प्रो मैक्स लैपटॉप वहाँ से लिया था, आईफोन 13 प्रो लिया था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खरीदी। हम में से बहुत सारे लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और उसकी वजह से अमेरिकन कंपनीज जो है वो ग्रो करती है, बिकॉज हम बाय करते हैं वो ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो किस में देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, फोन में ही देख रहे हो कि ज़्यादा करके उसमें क्या होता है, iOS होता है, फिर एंड्रॉइड होता है। शॉपिंग कहाँ से करते हो, अमेजोन से, मूवी का देखते हो अमेजोन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स। हमारी BMW बाइक भले ही जर्मन है लेकिन सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अमेरिकन होते हैं, अमेरिका से बन के आते हैं। हमारे क्लाइंट के गियर बोल लो, जो भी बोल लो, सब US से आते हैं। इन कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, इनके फाउंडर्स इंस्पायर होते हैं, तो इनके ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते। अभी काफी चीजें हैं जो हम इंडिया में अभी अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीद नहीं सकते, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है टेस्ला, लेकिन टेस्ला के स्टॉक्स तो ओन कर सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बोला लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व होंगे और स्टॉक्स भी काफी एक्सपेंसिव होंगे। एक स्टॉक $1,000 का तो होगा ऐसा लगता है। अगर आप INDMoney मनी ऐप यूज करते हो जो मैं करता हूं, तो आप लोगों को पता होगा कि INDMoney से US स्टॉक फ्रैक्शन में बाय कर सकते हैं, मतलब एक स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। और INDMoney ऐप पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं, जीरो कमीशन, नो ब्रोकरेज, ताकि आप छोटे अमाउंट से भी आप अपनी फेवरेट US कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। नाउ कम्स द गुड पार्ट, मैं आपको INDMoney के मिलके आप सब लोगों को 250 rupees के एप्पल के शेयर बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। बहुत ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करो, INDMoney ऐप पे साइन अप करो, US स्टॉक अकाउंट क्रिएट करो, और आपको एप्पल के 250 rupees के शेयर्स बिल्कुल फ्री में रिवॉर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे। या फिर अगर आपके पास अभी तक INDMoney ऐप नहीं है, आप डाउनलोड कर रहे हो, तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद साइन अप करते टाइम MUM Apple ये जो है कूपन कोड डाल देना, फिर साइन अप करना, क्रिएट अ US स्टॉक अकाउंट और आपको एप्पल कंपनी के फ्री के शेयर्स मिल जाएंगे। इसमें एक और खास चीज है, जब आप अपना US स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करोगे तो आपको 70 rupees के US के स्टॉक्स बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। बिल्कुल भी देर मत करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो गए, उस पर क्लिक करके INDMoney ऐप पे साइन अप कर लो। और मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ। अरे किधर के सब लोग, तेजो भाई, गुड मॉर्निंग, हाउ वाज योर स्लीप? इट्स वेरी गुड। गुड गुड। शुभित से दोस्ती कैसे लगी? बहुत खतरनाक। तो जिंदगी में बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ देखा, लेकिन ये कुछ नया इंटरेस्टिंग आइटम है, इसको बोलते हैं दही सैंडविच। तो बीच में दही और माल मसाला, यूजुअली मेयोनीज सैंडविच खाते हैं। अरे यूजुअली ये है दही सैंडविच, दही सैंडविच और जलेबी खा रहा है। जलेबी, ये वही बच्चा है जो भी बड़ा आदमी हो गया है। यहाँ पर चल रही है आपकी अदालत, जिसे वैसे पूछा जा रहा है क्यों वो सेंसर लगाया, क्यों बेचारे 2,000 kilometers राइड करके आए, नींद नहीं मिली, पैर इधर, वॉइस कंट्रोल है ना, कैरेक्टर है डीजे भाई, मतलब कैरेक्टर में तो उन्होंने ऑफ नहीं बोला रहेगा, ट्राई कर दिया। वॉशरूम का भी कैसे, आप जब बैठते हो ना वहाँ वॉशरूम में रहते हो, थोड़ा भी हिलता तो लाइट चालू हो जाती है। एक्चुअली अभी बज रहे 1:10, हम लोग का एक्चुअली प्लान था 4 निकल जाने का, दैट सम वर्क किसी को मिलना था, आके हम लोग निकल जाते, बट ही इज बिजी, तो वो 4 फ्री होगा, तो अभी 4, हाँ यू डोंट नो No. तो इसका सलूशन क्या निकला? ये स्विच यहाँ पे, ये लो, पहले कॉम्प्लिकेट करने का नहीं जिंदगी को, बैक टू बेसिक्स, टक टक लाइट ऑन, लाइट ऑन, क्या है सब खत्म, टेंशन है, मजा नहीं लाए। जो मैं बोल रहा था हम लोग 4 निकलने का था, तो अभी लोग 4 जाएंगे मिलेंगे, एंड देन वी माइट लीव एट 6:30। ए 6:30 नहीं, 4:00 भाई, यू सेड ना यू आर गोइंग देयर टू मीट, अरे वो तो 3 ना, तो 4 आ जाएंगे, हां हां, नहा के निकल जाएंगे 4, मैं अभी नहाने को जा रहा हूं, वैसे जब जाएंगे तो आके नहाना पड़ता है ना, अरे वो भाई उधर स्मशान में नहीं जा रहे हम लोग। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो अभी टाइम है, तो जरा आपको इनकी बाइक बताता हूं क्या हुआ और क्यों मैं अभी MCL पे इन्वेस्ट करने वाला हूं, इक्विटी पे। हां सब कर रहे हैं, सब लोग हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग जैकेट के अलावा और एक तामझाम होता है ये, इसको बोलते हैं नेक ब्रेस ना, ये ऐसा, और ये बेसिकली क्यों होता है, जब हेलमेट पहनते हो तो मान लो खुदा ना खास्ता आपका क्रैश हो गया, तो ऐसे यू नो नेक स्नैप हो सकता है उसके लिए ना, तो हेलमेट एकदम ऐसा रहता है, तो आप ऐसे ऐसे से रहे, वो जो हम जो राइडिंग में जो गर्दन तोड़ते हैं वो पॉसिबल नहीं है ना, इवन पीछे भी अगर होता है तो ये लगता है हेलमेट, हेलमेट यहां टच होता है, आगे टच होता है, इज दिस कंफर्टेबल? या इट्स कंफर्टेबल, रियली कंफर्टेबल, ओके मैं आई विल, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है क्योंकि मैं मुंबई से हूँ और हेलमेट पहनना ही बहुत बड़ी बात है, आयरन मैन वाली फीलिंग आती है, नैनोटेक, आप जिंदगी भर कमा लो, ये सब चीजें खत्म नहीं होंगी, लेना क्या लगता है, लिफ्ट गिरेगी तो नहीं ना भाई, देखो गिरेगी, किधर लेके कैपेसिटी गिरेगी या चलेगी, जितना फिट करो उतना, जब गिरेगी या चलेगी जाएगी तो नीचे ही ना, अरे इन तो पूरा हो रहा है भाई, ऐसी जो मोटरसाइकिल पार्क होती है ना, देख के बड़ा सुकून मिलता है, भले किसी और की देखो या खुद की देखो, मैं जब भी गाड़ी में जाता हूँ ना, पार्क देखता बड़ा अच्छा लगता है। अरे मैं टर्की गया था 2 साल पहले अपन,
वहाँ पर ऐसे सब जी एस साइड लोग पूरा यूरोप कर रहे थे, वो लोग यूरोपियन थे तो उन लोगों को टेंशन नहीं है, बट ऐसा एक बार अपने को भी करने का बहुत। और ये मेरा इवन हेलमेट है, कल मेरा वो टॉप बॉक्स में वो हिल हिल के मेरा जो सेना का ये पार्ट टूट गया, तो आप देख सकते हो ये काला काला जो लगा है ये है एम सील। अभी एम सील मुझे पता है क्या है, आप लोगों को भी बहुत लोगों को पता होगा, क्या है नहीं पता तो गूगल कर लो, लेकिन एम सील इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा है मुझे नहीं पता था। तो इनकी जो बाइक है ये वाली जी एस रैली राव साहब की, तो इनकी बाइक गिर गई थी तो वो इंजन केसिंग में होल हो गया था, जो मैंने इतना बड़ा प्लेट डाला हुआ है ना ये इसीलिए किया है कि अगर कोई बाइक गिरती है तो इंजन केसिंग में होल ना हो जाएगा, उसमें होल हो गया मतलब ऑयल ड्रेन हो जाएगा बाइक उधर ही ठप। तो इन इनका वही हुआ, इन्होंने क्या किया, क्या किया भाई यहाँ पे पूरा ये पूरा यहाँ से लेके अंदर तक एम सील मारा हुआ है, काला काला दिख रहा है, काला काला। तब तो एम सील ने पूरा इंजन केसिंग को सील कर दिया और ऑयल बाहर निकलने से बंद किया, और इधर भी छेद हो गया है, छेद नहीं है और रेडिएटर में भी छेद हो गया है। इधर क्या कर रहा है, इधर रेडिएटर, तू पहला बता इधर क्या कर रहा है, यहां पे कवर होता है बाबा, लेकिन इधर छेद किसे हुआ, यहां पे भी छेद है, कवर किया छेद का, ये अमेरिकन पाए ना, अमेरिकन पाए जी ऐसे पाए, बाइक से लगा ठीक है लेकिन इतना। और ये देखो भाई ये रेडिएटर इधर से होल हो गया था, लाइट मारो जरा, यहां से पूरा होल हो गया था, ये पूरा एम सील मार के रखा है इसके अंदर भाई। आई एम वेरी फ्यूचरिस्टिक मैन, देखो आर आर और आर ट्रिपल आर, हमको पता नहीं था आर आर आने वाली, उसके पहले आर 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 डाल दिया, पैसे ले लेना आर आर वालों से। सब अलग अलग प्रकार की नमकीन अभी अपने इसमें पैनीज में जाएगी, थैंक गॉड जगह थी, और ये काफी हैवी भी है, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया क्योंकि लोगों को लग रहा था आईफोन, यू वांट फोन आईफोन, आईफोन पे इन्वेस्ट करना, एप्पल पे। आम पन्ना पी के निकल रहे हैं तो हम लोग तो पूरे रेडी हो गए, एक वाटर शावर भी ले लिया। शोभित भाई यार बाइक लेके नहीं आया, बाइक तो मेरी बिल्डिंग में खड़ी, कैसे आएगा। तो डीजे भाई ने ऑफर किया मेरी बाइक लेके चला जाए, डीजे भाई को अच्छा है एक बंदा बाइक लेके मुंबई जाएगा, फ्लाइट लेके आ जाएंगे, बट ही रिजेक्टेड इट बिकॉज देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मतलब आ नहीं रहा है मुंबई हमारे साथ, हाय बे डीजे भाई ने बोला स्कूटर है बाइक लेके चले जा, बीएमडब्ल्यू की स्कूटर भी कितना अच्छा, लेके नहीं जा रहे ना भाई, इसको आगे बनना चाहिए पॉलिटिशियन। अरे क्या ये तो लोगों को बिल्कुल क्या बोलते हैं खुश कर देगा, ये बोलना चाह रहे हैं। तो डीजे भाई को कल कुछ तो ज्ञान दिया, तो डीजे भाई क्विट, डीजे भाई ने पूरा क्विट कर दिया सब कुछ, इन्होंने एड़ा बना के पेड़ा खिला दिया और पेड़े में कुछ और था यानी आउट, इतना पिला दिया इज आउट, कोई बात नहीं होना चाहिए, मैंने इनको वही बोला ना। मैं बोलता हूँ कल निकलते हैं, कल आराम से शाम को निकलते हैं, देखो भाई मेरा प्लान था कल निकलने का, इन लोग को आज काम आ गया, जब भी मैंने कैंसिल कर दिया भाई, डीजे भाई ने बोला था सबको इधर बुलाएंगे उधर बुलाएंगे, लेकिन ये देखो ये क्या है भाई, सादा पान वही कल वाला किमाम वाला पान, मीठा है ये बदला ले रहे हैं, कल इन्होंने पान खिलाया किमाम का भाई, मैं तो बोलता हूँ उसको जुलाब वाली गोली दे दो ये सबसे बेस्ट है। तो देखो भाई हम 4:30 बजे निकलने का सोचे थे, सो भी लिया, अभी 6 बजने वाले हैं, हम लोग कब से अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, ऑल दो मैं दूसरा हेलमेट लाया था लेकिन उसका उपयोग नहीं किया कि मुझे लगा कि इसका यूनिवर्सल पेयरिंग में हो जाएगा, बट देबू भाई के पास लेटेस्ट सेना है 10C इवो है प्रो, कोई तो है वो पता नहीं रिफ्रेन कर रहा है कनेक्ट होने के लिए, भाई एसजी का मार्केट स्ट्रांग है तो बोलते हैं अपडेटेड सेना में और किसी से कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ महंगे महंगे ब्रांड जाए तो ये दुविधा हो रही है। अभी सवाल ये कि अगर मैं दूसरा हेलमेट लेता हूँ शुभत का तो मुझे ये पूरा ताम झाम निकालना पड़ेगा, इसको टाइम लगेगा, या फिर हम इनके पास तो है ही नहीं, या फिर बिना इसके निकल लें। देखो भाई सबसे पहली चीज़ मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा इंदौरी लोगों से कि मैंने मीटअप का बोला था बट नहीं हो पाया, टेक्निकली आज नहीं मुझे परसों निकलना था, लेकिन देबू भाई को राव भाई को इम्पोर्टेंट काम आ गया, अब मैं होल पर्पज जो यहाँ पर आया था कि वो था कि मुझे इनका राइड करना था, तो इसके लिए बस एक ही दिन ब्रेक लेके हम लोग जा रहे हैं, तो कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे प्लान, बट सो फार सो गुड, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। अभी बता रहा है हमारा सुबह का 5:22 का अराइवल है, जो कि आपको पता ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, 6:09 तो आप अभी 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। 580 किलोमीटर्स टू माई हाउस, 11 आवर्स। सेकेंड रह रहे हो कि थर्ड रह रहे हो? आप सेकेंड रहोगे थर्ड रहोगे? ठीक है मैं आपके पीछे रहता हूँ, आप जाओ आगे, चलो मैं अपन पीछे रहते हैं लास्ट। भाई आना यार, जल्दी आ रहे हैं, ठीक है अभी स्काई बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, फर्स्ट बर्थडे पे नहीं आने गए, मम्मी ने बुलाया है अभी अप्रैल में आने का है। मम्मी ने तो बुलाया भाई, मम्मी ने तो पार्टी थ्रो करने का बोला है, पार्टी करो, हाँ भाई करता रहे भाई, निकल गए उन लोग, निकल गए उन लोग, बाय 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 बाय, चलो बाय बाय। तो हाँ थैंक यू, वैसे अभी क्या हम लोग सेना से कनेक्टेड नहीं है ना, तो देबू को पता नहीं है कि मैं निकला नहीं, वरना अपन बात कर तो करते रहते भाई, आई होप सब कुछ सही है। वैसे तो अपने पास मैप है लेकिन यार ये लोग ये तो यू टर्न मारने बोल रहे हैं, आई होप ये लोग यू टर्न मारे सीधा गए, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वील मैनेज इट आउट। अरे बाप रे लोग तो भाग रहे हैं यार, अब तो हम लोग कनेक्टेड नहीं है ना इससे प्रॉब्लम हो गई।
डायरेक्टली डीजे भाई ने बोला यहाँ से डायरेक्टली हाईवे कनेक्ट होता है तो वहाँ से जाओ। ना ठीक है, वैसे अपन तो देखो भाई ब्लाइंडली गूगल मैप को फॉलो करने वाले लोग हैं और ये स्लोअर बता रहे क्योंकि वो अंदर कहाँ ही से बता रहा होगा, कम शैतान का होता है। बट चलो आई होप अच्छा लगता है यार, तीन तीन BMW निकलती है यार, मतलब मोटी मोटी बाइक्स एकदम ये वो। बाय द वे ये लोग नेपाल करके आ रहे हैं अपर मुस्टैंग करके, और बोलते हैं कि अपर मुस्टैंग के लिए $500 लगता है, लेकिन लोअर मुस्टैंग जो कि फ्री है वो बेटर है, वो ज़्यादा एडवेंचरस है। तो मेरा भी प्लान था, बट आपने देखा कि मैं वैष्णो देवी गया था और स्काई छोटी है, इतना लंबे समय के लिए मैं दूर नहीं रह सकता, इसके लिए नहीं गया। तो गाइज थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। डिस्क्रिप्शन में आई एंड मनी ऐप का लिंक होगा, उसको डाउनलोड करके जरूर अपना US स्टॉक अकाउंट को फंड करना, और कूपन कोड मत भूलना MUM Apple, जिसमें आपको यूज करके ऑब्वियसली ₹250 के एप्पल के स्टॉक जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। 4 मिलियन इंडियन यूजर्स हैं आई एंड मनी ऐप के, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक अकाउंट, तो देरी बिल्कुल भी मत करना। एनीवेज गाइज थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर। मैं आई एम श्योर थक गया होगा करके मैंने यहाँ पर मैंने सेफली अपना एंड शूट कर लिया था, यहाँ तक देख लिया तो लाइक का बटन दबाओ, नए हो सब्सक्राइब करो। विद सर इज ऑलवेज शुक्रान विद माशाला, टेक केयर and do whatever you want my lovely friends, I do something with Shabakhe, take care, bye bye, milte hain again।